Speak Irish? Speak Irish? Yeah! We're saying hello in Irish. And she leans over and goes, hell yeah! सब गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डबलिन. आज डे टू है एंड ये हमारा पूरा एयरबीएनबी है. इनफैक्ट वी आर आवर होस्ट आर लिविंग विद अस, जो हमारे साथ रह रहे हैं. पूरे घर में हम लोग को एक रूम है जो मैंने आपको कल बताया था, बट ऑल दिस इज़ कॉमन स्पेस एंड आप ये सब यूज़ कर सकते हो. लिविंग विद द होस्ट काफ़ी सस्ता रहता है, सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड चॉइस. आज के प्लान में है वी आर गोइंग टू द गिनीज स्टोर हाउस, जहाँ पे द मोस्ट फेमस गिनीज बियर जो है वहाँ पे बनती है. देन वी आर गोइंग टू वेरी ओल्ड एंड यहाँ पे एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ट्रिनिटी कॉलेज, वहाँ पे जाने वाले. एंड थर्ड जेमिसन डिस्टिलरी जा रहे हैं, जो द फेमस जेमिसन विस्की जो बनती है वह यहाँ पे बनती है एंड इट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेयर. एंड या आई थिंक बिट्स एंड पीसीज में यहाँ का लोकल फूड, लोकल जगह क्या देखना है, क्या करना है, ये सब आज के वीडियो में मैं दिखाते रहूँगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई सी यू गाइस सून. Now we are walking to the Guiness StoreHouse and इधर ना सिंपली रास्ते पे चलने का कोई मज़ा हो रहा है यार. इतना पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज है, लोग इतना अच्छे से पेडेस्ट्रियंस को रिस्पेक्ट करते हैं. आई थिंक दिस इज़ द वन थिंग हमारे कंट्री में बहुत ज़रूरी है, पेडेस्ट्रियंस आर सुपर इम्पॉर्टेंट यार. चलते चलते रैंडमली कोई भी बेकरी में घुस गए, कॉफ़ी ऑर्डर किया है, एक क्रोसेंट है और एक एग टमेटो एंड चीज़ सैंडविच है ब्रेकफास्ट के लिए. पूरा इसका मिला के 11 यूरोज हुआ है. सो लिल बिन एक्सपेंसिव साइड, बट आई थिंक ये डबलिन है इसलिए. रेस्ट ऑफ द आइलैंड में इतना महंगा नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई हैव रेड, बट आगे आके देखते हैं. ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था. अभी गिनीज स्टोर हाउस जहाँ पे जा रहे हैं उसका मैं आपको थोड़े प्राइजेस बता देता हूँ. हम लोग ने 10 AM का टूर लिया है वहाँ पे. बेसिकली इट्स लाइक ब्रूअरी है एंड ये पूरा उसका मेकिंग प्रोसेस, उसके बनाते कैसे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बियर जो बहुत फेमस है. तो ये पूरा टूर है. यूजुअली अगर आराम से देखा तो 3 से 4 घंटे चले जाते, बट टुडे वी आर ऑन अ टाइट शेड्यूल तो इतना टाइम तो नहीं दे पाएंगे. इसके साथ हम लोग ने 2 engraved गिनीज ग्लासेस भी ऑर्डर किए हैं. मतलब अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे गिनीज का बहुत पर्टिकुलर एक टाइप का ग्लास शेप आता है, दैट ऑल्सो बहुत ज़्यादा फेमस है. सो उसके ऊपर हमने पर्सन एंग्रेव्ड मैसेज किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. ये टोटल हो के हमारा 77 यूरोज हुआ है. ग्लासेस के साथ आई थिंक फेयर इनफ है. दिस गिनीज स्टोर हाउस का टूर एक्सपीरियंस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप. मतलब इट वॉज वोटेड एज, जनरली इट वॉज वोटेड एज द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन ऑल ऑफ यूरोप. मतलब तुम सोचो यूरोप में कितने टूरिस्ट अट्रैक्शन है, देर इज़ द आईफिल टावर, देन वियना का हॉफ्सबर्ग पैलेस, तो इतने सारे अट्रैक्शन में इट इज़ वोटेड वन ऑफ द बेस्ट, तो कुछ तो होगा. तो चलो 10 बजे का हमारा वहाँ पर टूर का टाइमिंग है. अभी 9:30 हुआ है एंड दिखाता हूँ इतना क्या ये लोग ने इतना क्यों इतना रेटिंग क्यों दिया है इसको. It's the Guiness Academy. So the Guiness Academy is going to be the first opportunity you'll have to spend. दिस प्लेस इज़ मैसिव. मतलब अगर यहाँ पे अच्छे से सब आराम से देखना है कम से कम 4 घंटे तो चले ही जाएंगे. बट ये लोग ने पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाया है, स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स कि ये ड्रिंक कैसे बनती है, हाउ आर दे मेकिंग इट, एंड इट इज़ नो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया पूरा. बट या दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल. मतलब अगर डबलिन आ रहे हो एंड गिनीज स्टोर हाउस नहीं आए तो इट्स अ क्राइम. आई मीन बहुत अच्छी जगह है ये. See that?
and that is how we get the 45 degree angle that we are looking for. Pull the tap all the way down. This is a demonstration tap. अभी हम लोग गिनीज स्टोर हाउस के टॉप पे है. दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटी बार. लिटरली यहाँ से पूरे डबलिन का व्यू है एंड यहाँ के पीछे एक बहुत बड़ा बार है. वे पीपल कैन जस्ट एंजॉय द गिनीज. बाय द वे ये ड्रिंक टिकट्स में कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, तो आइदर यू कैन सिलेक्ट टू यूज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री एट द एकेडमी जहाँ पे तुमको ये पूरा पोर करना सिखाते हैं. तो हमने क्या किया, एक जो था हमारे पास वो वहाँ पे यूज़ किया जहाँ पे मैंने सीखा कि गिनीज एग्जैक्टली कैसे पोर करते हैं, एंड दूसरा वाला यहाँ पे यूज़ किया है वेयर यहाँ से पूरे डबलिन का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो या आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 घंटा स्पेंड किया है. नाउ आई थिंक नेक्स्ट वी विल गो टू ट्रिनिटी कॉलेज एंड या आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. Can we go Guiness as well? Yes. Good. Yeah. Take the outfit. Yeah. Thank you. No problem. Bye now. Bye. ट्रिनिटी कॉलेज का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत पुरानी कॉलेज है यहाँ की, एंड उसके अंदर देर इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट. क्या गिरा? कुछ गिर गया. उसके अंदर देर इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट विच इज़ कॉल्ड एज अ बुक ऑफ केल्स. अब ये बुक ऑफ केल्स क्या है बेसिकली, इसके यहाँ पे बहुत टाइम पहले सेंट पैट्रिक आए थे एंड सेंट पैट्रिक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन आयरलैंड एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे सेंट पैट्रिक्स का इतना इम्पॉर्टेंट है. सो हाँ, वहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट में बेसिकली वही सब लिखा है कि यहाँ पर स्प्रेड कैसे हुआ, एंड बहुत पुराने आयरिश मॉन्क्स ने लिखा है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन आयरलैंड के बारे में. सो यार उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है वो, एंड वो लाइब्रेरी देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज में लाइब्रेरी है, उसका बुक कलेक्शन आई जस्ट शो यू बहुत अच्छा है. मैंने उसे फोटोज़ देखे बट द कलेक्शन देयर इज़ अमेजिंग. सो या आई थिंक वो देखना बहुत मज़ा आएगा. सो बस अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे, गर्मी लग रही है प्रिया को यहाँ पे, एंड जैकेट्स निकाल दिए हैं. हमने लगा कि ज़्यादा ठंडी होएगी बट ऑनेस्टली मैनेजेबल ही है. सो या कंटिन्यू वॉचिंग एंड आई विल सी यू एट ट्रिनिटी कॉलेज. ट्रिनिटी कॉलेज के बाद हम लोग उसके बाजू में देर इज़ अ वेरी फेमस स्ट्रीट कॉल्ड एज ग्रैफ्टन स्ट्रीट, एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं अगर आपको शॉपिंग करनी है डबलिन में. थोड़ा महंगा है यहाँ पे बट बाकी सारी चीज़ें काफ़ी मिल रही थी. सुविनेस बाय करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे सुविनेस काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं. बस अभी हम लोग स्टारबक्स आए हैं. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस बट मैं जहाँ पे भी जो भी कंट्री जाता हूँ उसका एक स्टारबक्स मग कलेक्ट करता हूँ. जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, तो ऐसे हर एक कंट्री के आयरलैंड के स्टारबक मग जाते हैं. मैं जहाँ भी जाता हूँ वो लेते रहता हूँ, कलेक्शन बनते रहता है. सो यहाँ के तो जो लेना था वो ले लिया है. बाकी फ्रिज मैग्नेट्स, बाकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो लेनी थी वो भी सब हो गई है शॉपिंग. अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द जेमिसन डिस्टिलरी. थोड़ा दूर है बट देखते कैसे विल मैनेज समथिंग. Behind me is all of this is Jameson Distillery, and सारे दुनिया की Jameson सिर्फ यहाँ पे बनती है in Dublin and in a small town called Middleton. भाई बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वहाँ पे एक बार है पूरा. Apart from this being distillery, यहाँ पे एक बार भी है जहाँ पे just people can come and enjoy their drinks. So जगह काफ़ी अच्छी है, music अच्छा है, vibe काफ़ी अच्छी है. चलो अंदर जाते हैं, let's see how this thing is made. American? Yeah. I had a funny feeling. He's here for the 4th of July. Yep. And this motto came to define the way John Jameson lived his life. But it also defines the whiskey to this very day. He built the brand from the ground up. Okay, and then we have the Bow Street. So that's the name of the building you're in right now. Raw. I give it a good smell because we're going to distill it. What distilling does two things. It makes this liquid stronger, but when you distill it 3 times, it also makes it smoother. Yeah,
Then we make grain whiskey, which is a lot more common, a lot more of a modern way of doing it. It's making a beer out of corn and maize and just non-stop distilling. So अभी just वो tour खत्म हुआ. So we went for two tours. एक तो how this entire thing is made. Honestly बहुत अच्छा था. मुझे honestly Guiness से ज़्यादा ये अच्छा लगा. Because पूरा process जो अच्छे से उन्होंने describe किया was brilliant. अलग अलग type की जो whiskies मिल रही है बन रही है. पूरा अच्छे से taste करवाया. Difference समझाया. And it was like बहुत अच्छा experience था ये पूरा. I won't lie, I'm a little tipsy right now, but it was totally worth it. And इसके साथ हम लोग ने एक personalized whiskey bottle खरीदी है यहाँ से, where you know अब यहाँ पे ही मिलती है. That is called the Jameson Distillery Edition, जो सिर्फ अब तक यहीं पे मिलती है. You cannot get it anywhere in the world. And the best part about it is कि तुम उसको personalize कर सकते हो. You can put your name, you can write a message, anything you want on the bottle. I mean, how amazing is that? I think ये कहीं पे नहीं सुना है मैंने. I think it's a brilliant idea. So लास्ट वीडियो में जैसे बताया था, प्रियंका का बर्थडे है, 30th बर्थडे. सो हम लोग ने यहाँ पे ऐसे ये लिखा है, प्रियंका टर्न्स 30. एंड या रात का थोड़ा नाइट सीन कैसे वो भी देखेंगे. एंड या आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. सो आफ्टर अ वेरी इवेंटफुल डे, हम लोग जस्ट अभी हमारे एयरबीएनबी पहुँचे हैं. थोड़ा रेस्ट करेंगे बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ईजी है. हम लोग अभी जस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे वो ट्रैम था. एंड ट्रैम से बहुत ईजी हो जाता है टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हाँ बस आई थिंक वो नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने बाहर निकलेंगे.